अंदर आ जाओ। आ जाओ बेटा। आइए भैया। है ना सर? ऐसा थोड़े ही हुआ कभी तुम्हारे लिए टाइम हमेशा है। बैठ जाओ। हाँ। नहीं आजकल काफी चीजें आपसे पूछे करनी पड़ती हैं। क्या है ऐसी कौन सी आफत आ गई जो पूछ के पकड़नी पड़ती मेरे से? घर में खा पी रहे हो, उठ बैठ रहे हो, जी रहे हो। यही होता है, सिर्फ यही करना होता है बच्चों को पालना है। और क्या करना है बेटा बताओ ना मुझे, मुझे तो बताओ ना तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बच्चे को पालना क्या मतलब, इतने बड़े तुम बिना पाले ही हो गए ना बेटा। बाप ने तो पाला नहीं तुमको, पड़ोसी ने पाला होगा। बाप तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके दो रोटी कमा के लाता है तो सारा परिवार खाता है ना बेटा। आपको ये सब दिखता है कि आपने क्या किया, लेकिन आपको पिछले एक साल से दिख रहा है मैं पांच साल से बिना माँ के हूँ। आपके साथ हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आपके साथ, लेकिन आपको पिछले एक साल से दिख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं बताओ। वही तो दिक्कत है, आपको दिख नहीं रहा। वही तो दिक्कत है, सुबह से लेकर शाम तक काम में रहता हूँ तो मेरे पास कोई दूरबीन नहीं लगी है जो तेरे को घर में देख ले के तेरे साथ क्या हो रहा, क्या हो रहा बताओ। पूछ ही लेते कम से कम। अच्छा बेटा अभी पूछ रहा हूँ क्या हो रहा तेरे साथ, मैं बताओ। खाना नहीं लेती अब आप सही से, भूखा वर्ग में जाता हूँ कुछ मिलता नहीं खाने को मुझे। क्या खाना नहीं मिलता भाई, खाना पकता है सारे घर के लिए, खाना पकता है सबको मिल जाता, मुझे नहीं मिलता बस। तो तुम्हें क्यों नहीं मिलता है? आपको पता है मैं क्या खाता हूँ क्या? चलो ठीक है, नहीं पता है, नहीं पता ठीक है, लेकिन आपको ये तो ध्यान देना चाहिए कि आप बच्चा कम से कम इधर उधर घूम रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा तो कोई तो बात होगी, कुछ तो होगा अंदर, पूछ लेते कम से कम एक बार। क्या बात है बेटा, तू बता तो सही तेरी क्या समस्या है, मेरे अगर हाथ में है तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ तेरी समस्या को। बताओ तेरे को क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत ये है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ पिछले एक साल से। अब परेशानी है, अब मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, अब तो टाइम आएगी, अब तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे गुस्सा आ रही है कि आप। अरे बेटा किस बात का गुस्सा आ रहा है? मसला ये है कि माँ जितना प्यार आपको करती है या आपसे जो भी है, आपके साथ जो भी, आपकी तो पत्नी है ठीक है, अब मेरी माँ के जाने के बाद आपकी भी वो माँ मतलब वाइफ थी, लेकिन ठीक है आप जितना भी प्यार करते थे उससे, लेकिन मैं भी प्यार करता था उससे बहुत, और वो चली गई उसके बाद मेरा कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। आप जो तब तक चार साल कर पिछले एक साल से आप भी जाते हो तो आप उसी में। माँ मेरे को खाना नहीं देती है ठीक से, मेरे को खाना नहीं देती हूँ, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ बस, कभी इससे खा रहा हूँ कभी उससे खा रहा हूँ। मारिएगा नहीं। अरे मैं प्यार कर रहा हूँ यार, तेरे को क्यों मारूंगा मैं, मेरे बेटे हो, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी हो तुम। अब ठीक है बाप ने गलती की है दूसरी शादी करके तो उसको सूदी चढ़ा दो बस, पर ये तो नहीं कहा कि आपने आप मेरे को ये बताओ तुमको 365 दिन से कोई समस्या चली आ रही है, कोई दुख है, वेदना है, पीड़ा है, मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि 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 मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और आज ये दिक्कत इतनी बढ़ गई है, आप खुद सोचिए कि मुझे आपसे कहने आना पड़ रहा है ये बात। और तुम्हें ये लगता है, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता? मैं समझता हूँ बाबा, तुम्हें बचपन से लेके आज तक मेरे पास और कौन था? मैं नहीं प्यार किया, मैं समझता हूँ बाबा। और अगर तेरे को खाने पीने की दिक्कत थी मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मेरे पास पैसे की कमी है? मैं तेरे को चुपके से पैसा दे देता, बाहर जाके जितना मर्जी खा ले। समस्या का हल ढूंढना चाहिए जीवन में। जो इंसान रो के अपना हथियार डाल देता है ना, वो जीवन में कामयाब नहीं होता बेटा। जो इंसान हालात से लड़कर ऊपर आता है वो इंसान कामयाब होता है। मैं समझता हूँ बाबा, आपकी सारी बातें मुझे पता है, आप जितना भी मुझे सिखाते हो सब मुझे याद है,
लेकिन आज दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं भूखा मर रहा हूँ घर से। अरे मैं तेरे, चल मैं तेरे को बाहर चल के खाना खिलाता हूँ। बात आपकी नहीं है पापा। बेटा एक बात सुनो, एक बात सुनो, जीवन में अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए सामने, अब तुम रास्ते से जा रहे हो, सामने खंभा आ गया है, क्या करोगे? खंभे को उखाड़ के जाओगे कि साइड से चले जाओगे? साइड से जाओ, उखाड़ोगे तो नहीं ना। हाँ पापा, तो क्या रास्ता यही है कि चुपचाप मेरे से जितना पैसा चाहिए वो लो, और जो खाना है वो मंगल के ढाबे पे जाओ, वहां से जो पराठे खाने हैं, राजमा खाने हैं और लच्छेदार पराठे खा लो, और अगर चिकन और अंडे वगैरह चाहिए तो वो भी खा लो। तुमको कितना पैसा चाहिए मैं चुपचाप दे दूंगा ना, तो तुमको तेरे को घर में जितना मिलता है। अब मैं उसको ये कहूं कि तुम मेरे बेटे के साथ, वो कहेगी कि दोनों को बराबर तो दे रही हो, ये नहीं होता है। तो आप देखो ना कि वो दोनों को बराबर दे रही है कि नहीं दे रही है। आप अच्छा आप ये एक बात बताओ, आप मुझसे ज्यादा प्यार, चलो ठीक है ज्यादा प्यार किसी से भी नहीं करते, बराबर करते हो सबको, लेकिन कम से कम आप कभी तो मेरी तरफ से बोल सकते हो उनको कि यार देखा करो कम से कम उसको। देखो ध्यान से सुनो, जो कला क्लेश होता है ना उसे दबे रहना देना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं ना तेरे लिए, तुम चाहते हो एक बार मेरे को बात, अभी मेरे को एक चीज तू फैसला कर दे, तुम चाहते हो कि मैं छोड़ दूं उसको? नहीं नहीं ना, घर में कला क्लेश और ज्यादा बढ़ जाए या कुछ भी बढ़ जाए, तुम तो ये नहीं चाहते हो ना बेटे, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। मैं हमारी समस्या की बात कर रहा हूँ, मैं तो मेरी समस्या मैं संभाल लूंगा, मैं तेरी समस्या को तो पहले हल कर दूं कि नहीं करूं? एक काम कर, चुपचाप मेरे से 5,000 रुपया महीना ले लिया कर, चुप अपने सुना, मैं नहीं चाहता घर में क्लेश हो, तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं। अगर तेरे को इतनी ज्यादा तकलीफ है तो बोल, मैं उसको छोड़ देता हूं, पर मैंने जीवन में उसके साथ कमिटमेंट की है कि मैं उसको जीवन में कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं तेरे को भी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा बेटा, तेरे साथ भी मैं वैसे ही रहूंगा जीवन भर, तुम मेरे बेटे हो बेटा, मेरे पास और कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है, तुम हो सिर्फ, तुम मेरे सहारे नहीं बनोगे, बनोगे ना, हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, कहीं जाओगे तो नहीं ना, कोई तकलीफ होगी तो सीधा मुझे आके बताओगे ना।